टॉप एंड मॉडल में 16 इंच के अलॉय व्हील्स, बाद हमें क्रूज कंट्रोल के बटन, हमारे पास 12 वेरिएंट्स है 7.47 लैक्स का। उसके बाद जब हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो होने वाली है सुजुकी के लेटेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉन्क्स, जो कि एक क्रॉसओवर एसयूवी है और जिसको सुजुकी ने, मारुति सुजुकी ने प्लेस किया है बलिनो और ब्रेजा के बीच में, इन दोनों के जो बीच का गैप है उसको कवर अप करने के लिए। और इसका जो आप कह सकते हैं कंपटीशन जो है इसके सेगमेंट में, नेक्सोन और वेन्यू को आप दोनों को मान सकते हैं। तो इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं और उनमें क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, इस वीडियो में हम आगे वही डिस्कस करेंगे। इसके क्या वेरिएंट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, उसके क्या क्या प्राइस होने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स में, और उनमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट फेसिया की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, फ्रंट में आपको मिल जाती है एक ग्रिल जिसको नेक्सा ने नाम दिया है नेक्स वेव ग्रिल। उसके बाद आपको LED DRL मिल जाते हैं और नीचे आपको 3 LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जो कि अल्फा मॉडल में आपको LED हेडलैम्प्स मिलेंगे। और उसके बाद जब हम आते हैं तो जो ये LED DRLs हैं, इनको नेक्स्ट LED DRL नाम दिया है नेक्सा ने। उसके बाद हम साइड प्रोफाइल पे चलते हैं, तो साइड प्रोफाइल पे आपको टॉप पे रूफ रेलिंग दिख जाती है और नीचे आपको जितने भी व्हील आर्चिस हैं उनके ऊपर एक क्लैडिंग दिख जाती है, ताकि इसको एक SUV फील दिया जा सके, एक SUV टच दिया जा सके। साइड के बाद हम जब बैक साइड पे जाएंगे, तो जैसे कि आप बैक साइड पे देख पा रहे होंगे, जो इसकी बैक लाइट है वो अक्रॉस द बैक वो कनेक्टेड है, जैसे कि आपको वेन्यू में भी देखने को मिलती होगी, वही आप ट्रीटमेंट, बैकलाइट ट्रीटमेंट आपको फ्रॉन्क्स में भी देखने को मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं कि हमें सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिलती है रियर बम्पर पे, लोअर साइड में आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिलती है। और अब हम साइड में आते हैं, तो साइड में आपको देखने को मिलते हैं 16 इंच अलॉय व्हील। इसमें आपको डायमंड का टॉप एंड मॉडल में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको। अब हम आ जाते हैं इसके इंटीरियर पे, तो इंटीरियर पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटीरियर में हमें देखने को मिलेगी एक 9 इंच की डिस्प्ले, टच स्क्रीन डिस्प्ले, जो कि इस नेक्सा का स्मार्ट प्रो प्लस वर्जन है। इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो प्ले दोनों मिल जाते हैं वायरलेस। उसके बाद हमें स्टीयरिंग पे सारे माउंट्स कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, और कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट एंड वॉइस कमांड के बटन्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमें क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं। नीचे पुश स्टार्ट आप देख पा रहे होंगे, नीचे आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, और इसमें हेड अप डिस्प्ले भी मिलती है आपको, और 360 कैमरा व्यूज भी मिलती है। और नीचे की साइड आ जाते हैं, तो हम आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC भी मिलता है, ये टॉप एंड वेरियंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आपको हेड अप डिस्प्ले है जो इंक्लूड करती है, आपको आपकी डायरेक्शन भी बताएगी, स्पीड भी बताएगी, कितने किलोमीटर की स्पीड है, और आपको डायरेक्शन भी बताएगी और टाइमिंग्स वगैरह, और आप किस गियर में चल रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेड अप डिस्प्ले में इजीली देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको टॉप एंड वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी, आप अपने फ़ोन को सिर्फ प्लेस करना यहाँ पे और आपको वायरलेस चार्जिंग भी, आपका फ़ोन वायरलेस चार्ज भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रॉन्क्स के वेरियंट्स की। तो टोटल हमारे पास 12 वेरियंट्स हैं, जिनमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं और 2 आपको गेयर बॉक्स मिल जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंजन ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं। तो इंजन ऑप्शन जो हमें मिलते हैं, वो आपको एक इंजन मिलेगा 1.2 लीटर का, जो हमें 89 BHP प्रोड्यूस करेगा। जो दूसरा इंजन मिलता है, वो आपको मिलता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ, जो आपको 99 BHP प्रोड्यूस करेगा। और यही हम बात करते हैं गेयर बॉक्स की। तो गेयर बॉक्स में आपको जो मैनुअल स्पीड गेयर बॉक्स मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है 5 स्पीड, और जो आपको ऑटोमेटिक 2 वर्जन जो मिलने वाले हैं, वो आपको एक 5 स्पीड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स मिलने वाला है, एक आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स मिलने वाला है। अब हम आपको बताएंगे कि एक्सटीरियर में आपको वेरिएंट वाइज क्या क्या डिफरेंस मिलने वाले हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक्सटीरियर में जो डिफरेंस मिलने वाले हैं, वो मिलने वाले हैं कि सिग्मा और डेल्टा में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर लैंप मिलेगा, और डेल्टा, जीटा एंड अल्फा में आपको LED मल्टी रिफ्लेक्टर लैंप, हेड लैंप मिलेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, सिग्मा और डेल्टा में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर लैंप मिल रहा है, और जो आपका डेल्टा, जीटा एंड अल्फा है, डेल्टा प्लस जीटा एंड अल्फा है, उसमें आपको LED मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं LED DRLs में। सिग्मा और डेल्टा में LED DRLs आपको नहीं मिलेंगे, और आपको जो DRL मिलेंगे, वो आपको मिल जाते हैं डेल्टा प्लस, जीटा एंड अल्फा। इन तीनों मॉडल्स में आपको LED DRL मिलेंगे,
ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स की बात करूं तो आपको सिग्मा और डेल्टा में भी, डेल्टा में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे, डेल्टा प्लस, जीटा एंड अल्फा में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्सा वेव ग्रिल विद क्रोम फिनिश, वो आपको सिग्मा मॉडल में नहीं मिलेगी, डेल्टा में और बाकी जो वेरियंट्स है उन सब में मिल जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्सा सिग्नेचर कनेक्टेड फुल एलईडी रियर कॉम्बो लैंप। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप अपनी बैक साइड पर देख पा रहे होंगे, बैक साइड पर जो इसकी एलईडी बैक लाइट है उसमें आपको जो इसके कनेक्टेड बैक लाइट है वो आपको किन किन मॉडल में मिलेगी, किन किन मॉडल में नहीं मिलेगी, तो वो आपको सिग्मा, डेल्टा और डेल्टा प्लस में नहीं मिलेगी और जीटा और अल्फा में ही मिलेगी वो आपको कनेक्टेड टेल लाइट। अलॉय व्हील्स की बात करते हैं तो आपको स्टील रिम्स मिलने वाले हैं, सिग्मा डेल्टा में आपको स्टील रिम्स मिलने वाले हैं और उसके बाद आपको डेल्टा प्लस और जीटा में आपको पेंटेड अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं और अल्फा जो मॉडल है, टॉप एंड जो वेरिएंट है, उसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं रियर वाइपर एंड वॉशर। रियर वाइपर एंड वॉशर आपको सिर्फ और सिर्फ जीटा एंड अल्फा में मिलने वाले हैं और बाकी किसी वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम करते हैं डुअल टोन एक्सटीरियर, जो कि एक टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलेगा आपको, अल्फा के अंदर मिलेगा डुअल टोन वेरिएंट। उसके बाद हम बात करते हैं यूवी कट विंडो ग्लासेस। जैसा कि आपने देखा होगा बलिनो में आपको ग्रीन टिंटेड ग्लासेस मिलते हैं, वो आपको सिर्फ अल्फा वेरिएंट में ही मिलेंगे, वो आपको जीटा या डेल्टा या सिग्मा किसी और वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, वो जो ग्रीन टिंटेड ग्लासेस होते हैं वो आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर। सिग्मा मॉडल में आपको नहीं मिलते हैं वो, डेल्टा मॉडल में आपको मिल जाते हैं, डेल्टा प्लस में भी मिल जाते हैं आपको और जीटा में मिल जाते हैं और अल्फा मॉडल में भी मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इनके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में जब आएंगे हम तो डुअल टोन जो प्लस इंटीरियर है वो आपको अक्रॉस द लाइन आपको हर कार में मिलेगा स्टैंडर्ड, एज अ स्टैंडर्ड, पर ये हार्ड टच है, सॉफ्ट टच नहीं है, ये सारा हार्ड ही मिलेगा आपको। उसके बाद हम आते हैं लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, तो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील सिर्फ आपको अल्फा मॉडल में ही मिलेगा, उसके अलावा किसी और वेरिएंट में नहीं मिलेगा। अब उसके बाद हम नीचे आएंगे तो क्रोम प्लेटेड इनसाइड डोर हैंडल, वो आपको सिर्फ जीटा एंड अल्फा में मिलता है। प्रीमियम फैब्रिक सीट्स, इसमें आपको किसी भी वेरिएंट में लेदर सीट कवर्स नहीं मिलने वाले हैं, सब में ही आपको फैब्रिक सीट कवर ही मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, वो सब में ही अक्रॉस द लाइन आपको मिलने वाला है। रियर पार्सल स्केल, और उसके बाद जो आती है रियर पार्सल ट्रे, वो आपको सिग्मा मॉडल में नहीं मिलेगी, बाकी अदर जितने भी वेरियंट्स है सबके अंदर मिलेगी। अब आप जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस में आपको क्या क्या आपको फंक्शंस मिलते हैं, क्या क्या नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप वायरलेस चार्जर देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ आपको जीटा एंड अल्फा में मिलेगा। पैडल शिफ्टर्स जो हैं आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ही मिलेंगे, जीटा एंड अल्फा में पैडल शिफ्टर जो हैं आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही मिलेंगे, अल्फा एंड जीटा मॉडल में। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रूज कंट्रोल आपको सिर्फ अल्फा मॉडल में मिलने वाला है। स्टीयरिंग जो है आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, वो सिर्फ आप जीटा एंड अल्फा में मिलने वाला है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, वो आपको सिग्मा मॉडल में नहीं मिलेगा, उसके अलावा सभी मॉडल्स में मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, वो आपको सिग्मा मॉडल में नहीं मिलेगा, इसके अलावा सभी वेरिएंट्स में मिलेगा और टॉप एंड वेरिएंट में आपको ऑटो फोल्ड भी मिलता है। वो पुश स्टार्ट की बटन करें तो पुश स्टार्ट बटन की बात करें तो हम पुश स्टार्ट बटन आपको सिर्फ जीटा और अल्फा वेरिएंट में ही मिलता है। उसके बाद कीलेस एंट्री आपको सभी में मिलती है, अक्रॉस द लाइन कीलेस एंट्री मिलती है आपको। स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स आपको सिर्फ सिग्मा को छोड़ के बाकी सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं। एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको सिर्फ और सिर्फ जीटा एंड अल्फा में मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, जो स्लाइडिंग टाइप विद स्टोरेज, वो आपको सिर्फ जीटा एंड अल्फा में ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं रियर फोल्डेबल सीट्स, तो रियर फोल्डेबल सीट्स जो है हमें 60-40 स्प्लिट्स में मिलेंगी, वो आपको अक्रॉस द वेरिएंट्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। पावर विंडोज आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगी, पावर विंडो आप ये एक अच्छी बात है, पावर विंडो आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगी। और ड्राइवर पावर विंडो और टॉप डाउन, ये आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको सभी वेरिएंट्स में मिलता है। रियर एसी वेंट्स सिर्फ आपको जीटा एंड अल्फा में मिलते हैं। उसके बाद फास्ट यूएसबी चार्जिंग सॉकेट्स, वो भी आपको सिर्फ जीटा एंड अल्फा में मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमको ऑडियो इंफोटेनमेंट में क्या क्या मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया सिग्मा वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम ही नहीं मिलता, कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। डेल्टा, डेल्टा प्लस और जीटा, इन तीनों वेरिएंट में आपको 7 इंचेस का स्मार्ट प्ले प्रो म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसके साथ आपको एंड्रॉइड वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले दोनों आपको वायरलेस मिल जाते हैं। और जो अल्फा मॉडल है उसमें आपको 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है विद RKM सराउंड साइंस।
इसके नीचे आपको जितने भी फीचर्स दिख रहे होंगे सारे एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले वायरस ये आपको बता दिया है मैंने, उसके बाद वॉइस असिस्टेंट भी आपको बता दिया है। सिग्मा के अलावा आपको ये सारी चीज़ें सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हम आते हैं स्पीकर्स के काउंट पे, स्पीकर्स भी आपको अक्रॉस द वेरिएंट चार स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्विटर्स पे, तो ट्विटर्स आपको सिर्फ और सिर्फ जीटा एंड अल्फा वेरियंट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको जो कलर MID है वो TFT कलर वो आपको सिर्फ और सिर्फ जीटा एंड अल्फा में ही मिलती है। जो MID है वो आपको जीटा एंड अल्फा में मिलती है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स वो आपको अक्रॉस द वेरिएंट आपको डिस्प्ले में मेंशन हो जाएंगे। वो ये आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर है जो सिग्मा में मिलता है, डेल्टा में मिलता है, डेल्टा प्लस में मिलता है, जीटा में मिलता है एंड अल्फा में भी मिल जाता है। अब हम बात करेंगे सेफ्टी की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको हेडअप डिस्प्ले सिर्फ अल्फा मॉडल में मिलेगी। उसके बाद 360 व्यू कैमरा भी आपको सिर्फ अल्फा मॉडल में ही मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP जो आपको है अक्रॉस द वेरिएंट स्टैंडर्ड मिलेगा। और सबसे अच्छी बात हिल होल्ड असिस्ट वो आपको अक्रॉस द वेरिएंट स्टैंडर्ड मिलने वाला है। हिल होल्ड असिस्ट जो कि काफ़ी अच्छा फंक्शन है, जैसे कि आप हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आपकी कार ब्रेक लगाने पर रोकनी पड़ती है बार बार, हिल होल्ड असिस्ट के साथ आपको वो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी कार ऑटोमेटिक ही उसी जगह पर होल्ड हो जाएगी जिस जगह पर आप उसको रोकना चाहेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं साइड कर्टेन एयरबैग्स। तो एयरबैग्स सिर्फ आपको जो साइड कर्टेन एयरबैग्स है वो आपको सिर्फ जीटा एंड अल्फा मॉडल में मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डुअल फ्रंट एयरबैग्स, वो आपको अक्रॉस द वेरिएंट स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। रियर व्यू कैमरा आपको सिर्फ जीटा एंड अल्फा में मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर, ये अक्रॉस द लाइन वेरियंट्स आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। ऑल 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट, ये भी आपको अक्रॉस द वेरियंट स्टैंडर्ड मिलने वाली है। रियर डिफोगर इलेक्ट्रिक जो कि काफ़ी अच्छी बात है, रियर डिफोगर आपको स्टैंडर्ड मिलेगा अक्रॉस द वेरिएंट, चाहे वो सिग्मा मॉडल हो चाहे अल्फा हो, ये सब में ही मिलेगा। एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम ये आपको सिग्मा में नहीं मिलता है, बाकी अदर सारे वेरिएंट्स में मिलता है। जैसा कि हमने आपके सामने सारे इनके वेरिएंट जितने भी थे वो सारे डिस्कस कर चुके हैं, किस में आपको क्या फंक्शन मिलता है, किस में आपको क्या फंक्शन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हम इनकी प्राइसिंग की, इनकी प्राइसिंग क्या क्या होने वाली है। हम बात करेंगे एक्शोरूम की, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग रोड टैक्स होता है, हर स्टेट का अलग सिनारियो अलग होता है। तो हम दिल्ली एक्शोरूम की बात करेंगे। तो दिल्ली एक्शोरूम में सिग्मा 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिल जाता है 7.47 लाख का। उसके बाद जब हम बात करेंगे डेल्टा 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में, वो आपको मिलेगा 8.3 लाख का। उसके बाद हम बात करते हैं डेल्टा प्लस 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन, वो आपको पड़ेगा 1.73 लाख का। अभी हम बात करें 1.2 लीटर इंजन की, 1.2 लीटर के इंजन के बाद हम बात करेंगे टर्बो पेट्रोल जो 1 लीटर में है। उसके बाद हम बात करेंगे डेल्टा 1.2 लीटर ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स 5 स्पीड की बात करेंगे हम, ये आपको मिलेगा 8.8 लाख का। उसके बाद हम बात करेंगे डेल्टा प्लस 1.2 लीटर, ये भी 5 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है, ये आपको पड़ेगा 9.28 लाख का। उसके बाद हम बात करेंगे डेल्टा प्लस, यहाँ से टर्बो लाइन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से 1 लीटर जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है, वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा 9.73 लाख का। उसके बाद हम बात करते हैं जीटा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको पड़ने वाला है, वो 10,56,000 का पड़ने वाला है। इसी का अब हम अल्फा वेरियंट देखते हैं, तो अल्फा वेरियंट 1 लीटर टर्बो पेट्रोल में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 11.48 लाख का पड़ेगा। अल्फा मॉडल हम बात करेंगे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन विद डुअल टोन कलर, मतलब रूफ का कलर आपको ब्लूश ब्लैक में और बाकी जो आपका बॉडी कलर आप चूज करते हैं वो आपको पड़ेगा 11.64 लाख का। उसके बाद हम जीटा की बात करते हैं, जीटा आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल 6 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ आपको पड़ने वाला है 12,06,000 का। उसके बाद हम बात करेंगे अल्फा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल की बात, तो वो आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ मिलेगा 12,98,000 का। अब लास्ट जो वेरिएंट बचता है वो हमारा टॉप एंड वेरिएंट बचता है अल्फा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल 6 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स विद डुअल टोन कलर, वो आपको पड़ेगा एक्स शोरूम 13.14 लाख। तो ये जो वेरिएंट्स हैं इनके प्राइसेस जो भी हैं हमने सारे आपको डिस्कस कर दिए, इनके जितने भी फंक्शन थे, क्या क्या आपको कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है हमने। आई होप आपके फ्रॉन्क से रिलेटेड जितने भी वेरिएंट्स के डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे कि आपको कौन से वेरिएंट में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आपके
कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है प्लीज कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, क्योंकि उन्हीं से ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो जो भी आपके सजेशन है हम उनको अप्लाई करते हैं। थैंक यू।